अगर आप एक 90s किड है तो मम्मी ने आपको इस पे स्कूल जरूर छोड़ा होगा। काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड और होंडा मोटर कंपनी का जॉइंट वेंचर काइनेटिक होंडा, प्यार से सिर्फ काइनेटिक बुलाते हैं, जिसमें था एक एयर कूल्ड 98 cc का टू स्ट्रोक इंजन, पावर थी 7.5 bhp और 70 km/h बहुत आराम से, वही जानी पहचानी टू स्ट्रोक वाली आवाज। और वो फ्यूचरिस्टिक स्पीडोमीटर को कैसे भूल सकते हैं, पीछे लगा था एक स्पेयर टायर और इंडिकेटर्स हेडलाइट जितने बड़े। जमाना था बजाज चेतक का जो कि किक स्टार्ट के साथ आता था, पर काइनेटिक वो पहला स्कूटर बना जिसमें किक स्टार्ट के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी था। और यही नहीं, वैरियोमैटिक CVT भी इंडिया में पहली बार आया। काइनेटिक होंडा DX बेस था होंडा की NH 100 पे, जो कि अपने आप में एक कामयाब स्कूटर था। सर्विस और स्पेयर पार्ट्स मात्र 21 rupees पर मंथ, ये था काइनेटिक होंडा का दावा। दुर्भाग्य से 14 साल बाद यानी 1998 में काइनेटिक और होंडा के जॉइंट वेंचर का अंत हुआ और 2008 में इंडिया ने काइनेटिक को अलविदा कह दिया। तो आप नेक्स्ट स्टोरी किस कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक की सुनना चाहेंगे, कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।